हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था एग्जांपल नंबर 8.2 जो काफ़ी इजी था, काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी ट्रायंगल पे तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल पे अगर हमने एम मास रख दिया जाए तो उसके सेंटर पे लगने वाला टोटल रिजल्टेंट फोर्स होता है ज़ीरो। और उसमें एक दूसरा भी स्पेशल केस था कि अगर हमने ए एंगल पे रखा हुआ मास को डबल कर दिया तो फोर्स होता है 2gm2। ठीक है, तो चले भाई, आज के इस लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8.3। और 8.3 कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की साइड की लेंथ है एल, उसके सभी एंगल्स पे हमने मास रख दिया एम 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 एन एम। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज है पोटेंशियल एनर्जी एंड दूसरी चीज है पोटेंशियल ऑन सेंटर। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, हमें याद होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें एवरी टू मासेस के बीच मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मास है, यहाँ पे भी मास है, तो हमें एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिल सकती है, इधर मास, दूसरी, तीसरी, चौथी, इधर पांचवी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, इधर छठी पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। मतलब कि इन दिस क्वेश्चन हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें टोटल 6 पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। हमें सबको क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम फटाफट से उसको क्या कर देंगे, सिंपल तरीके से ऐड कर देंगे। बट वो ऐड करने से पहले हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी लेंथ है एल, इसकी लेंथ है एल, तो ये लेंथ कितनी होगी? यस डेफिनेटली ये जो लेंथ है वो होने वाली है √2l अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, राइट। और अगर ये √2l होगी तो बताइए, चलिए r बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू √2l डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा l बाय √2। ठीक है, तो चलिए भाई, हम सबसे पहला काम करते हैं a पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने का, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए भाई, सारे मास तो सेम ही है, यानी हम सीधा ही लिखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस अप टू प्लस यू सिक्स, यानी कि 6 पोटेंशियल एनर्जी का हम क्या करेंगे भाई, एडिशंस। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। पहले वाले हम यहाँ पे लेते एम एम, डिस्टेंस कितना है भाई एल, तो इधर होगा माइनस जी एम स्क्वायर कैपिटल एम टू स्मॉल एम स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय आर, आर इज इक्वल टू क्या है भाई एल, तो पहली आ गई माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल। सिमिलरली अगर हम इस सेकंड पोर्शंस की बात करेंगे तो वहां पे भी देखो मास एम है डिस्टेंस है एल, तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये चारों की पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाली है, सेम। तो हम लिख देते हैं चारों को सेम टू सेम, राइट चलिए, तो हमने 1, 2, 3 और 4 की बात कर ली। अब ये बची है 5 नंबर की। तो चलिए यहाँ पे मास है m, यहाँ पे भी मास है m, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो होता था √2l। तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √2l। और सिमिलरली यहाँ भी मास है m, यहाँ भी मास है m, डिस्टेंस होगा √2l, तो हम लेंगे माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय √2l। चलिए भाई क्या करते हैं, ये 4 है जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 4 जी एम स्क्वायर अपॉन l, और ये 1 एंड 1 यानी कि 2 है तो ये आ जाएगा माइनस 2 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय √2l। मान लिया अगर √2 √2 हमने कट कर दिया तो ये बचता है √2, ठीक है ना, क्योंकि हम करते हैं ना √2 × √2 इज इक्वल टू 2, तो एक कैंसल, एक बच गया। चलिए आपको लगता है कोई चीज कॉमन निकलेगी? यस, तो निकाल लेते हैं माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय एल, तो यह आया 4 प्लस अंडर √2। देखो भाई ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया। तो ये हो गए हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल ऑन सेंटर, तो ये आता है बी, पोटेंशियल ऑन सेंटर। चलिए भाई पोटेंशियल ढूंढते हैं। अब देखो भाई सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन लगा सकता है, तो हम कहेंगे ये मास लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये भी लगाएगा, यहाँ पे टोटल चार पोटेंशियल लगने वाले हैं। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन आर। तो भाई आर, आर यानी कि ये डिस्टेंस, और ऑलरेडी हमने काउंट करके रखा था ये डिस्टेंस कितना था, एल बाय रूट टू। तो हम कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर, राइट। चारों को एडिशन कर देते, पहले का आएगा माइनस जी एम अपॉन, सॉरी डिस्टेंस कितना था भाई, एल बाय रूट टू था, तो एल बाय रूट टू। सिमिलरली दूसरे का माइनस जी एम एल बाय रूट टू, तीसरे का माइनस जी एम एल बाय रूट टू, और चौथे का भी सेम ही रहेगा भाई। तो अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहते हो तो भी इसे कर सकते हो, वन टू थ्री फोर सबको जोड़ दो, तो माइनस फोर जी एम अपॉन एल बाय रूट टू। पर हमें पता है कि भाई ये रूट टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और हमारा आंसर आ जाएगा फोर रूट टू जी एम अपॉन एल। तो ये लीजिए भाई, ये मिल गया हमारा पोटेंशियल, ठीक है। और बच्चा पार्टी एक चीज याद रखना कि ये सेम टू सेम, मतलब आज जो हम पढ़ रहे ग्रेविटेशन पोर्शंस का, वो सेम पोर्शंस हम इलेक्ट्रिक में भी पढ़ते, वहां पे हम नाम देते इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। बस चेंज इतना होता है कि यहाँ पे जहां हम मास कंसिडर करते वहां पे हम चार्ज को कंसिडर करेंगे। तो याद रखना कि ये पोर्शन जितना इलेवेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से ही इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए और फिर हम उसको फिर से अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोर्शंस में। थैंक यू माय चाइल्ड, हमने यहाँ पे देख लिया 8.3। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8.4, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। थैंक यू।